दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पंजाब के पांच बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो बदल देंगे पंजाब की तस्वीर। प्रोजेक्ट नंबर 5 की बात करें तो वह है जलंधर रिंग रोड। दोस्तों शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए ये एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 50 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाले इस जलंधर रिंग रोड के टेंडर को पहले से ही प्लॉट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1263 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट नंबर 4 की बात करें तो वह है दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। यह एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है जो चंडीगढ़ और अमृतसर को दिल्ली के साथ कनेक्ट करेगा। इसके लिए 55 फीट डेडिकेटेड ट्रैक बनाया जाएगा जो कि दिल्ली हरियाणा पंजाब तक 13 स्टेशन से होता हुआ गुजरेगा। इस ट्रेन की कैपेसिटी 750 पैसेंजर्स की होगी और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी। प्रोजेक्ट नंबर 3 की बात करें तो वह है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर तक एक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 1316 किलोमीटर है। इसे अमृतसर, भटिंडा, मोगा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और जामनगर जैसे शहरों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ये एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरेगा जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात शामिल है। ये एक्सप्रेसवे दिसंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट नंबर 2 की बात करें तो वह है लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट लुधियाना से 32 किलोमीटर दूर हलवारा में स्थित है। अमृतसर और चंडीगढ़ के बाद ये पंजाब का तीसरा एयरपोर्ट होगा। ग्रेटर लुधियाना एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हलवार में लगभग 161.27 एकड़ की जमीन ली है। यहाँ पर इंटरनेशनल रोड, टैक्सीवे, पब्लिक हेल्थ सर्विस, कैंपस, लाइटनिंग और परमानेंट बिल्डिंग को डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 47 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट नंबर 1 की बात करें तो वह है चंडीगढ़ मेट्रो। चंडीगढ़ मेट्रो जिसे ट्राई सिटी मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ मेट्रो रेल सेवा हरियाणा के पंचकुला और पंजाब के मोहाली शहरों को भी कवर करेगी। इसको 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 114 किलोमीटर है जिसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये थे पंजाब के कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो कि जल्द पूरा होने की उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।